राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा प्रकाशित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 का कार्यपत्र 11 हल करेंगे। पेज नंबर 81। देखिए पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई 3D आकृतियों को की सही संरचना को छाट कर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ हमें एक शंकु की संरचना दे रखी है। अब शंकु की संरचना इनमें से कौन सी है ये हमें बताना है। तो ये वाली जो शंकु की संरचना है इस पर हमने राइट का निशान लगा दिया। ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये है घन। तो हमें इसका संरचना ढूंढनी है इसमें से। तो इन तीनों में से कौन सी है घन की संरचना, ये घन को खोलने पर, इस डिब्बे को खोलने पर ये ऐसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे बॉक्स में दी गई 3D आकृतियों को सही जालक के साथ मिलान करें। तो देखो ये बेलन का आकार है, इसको देखो किससे मिला हुआ है, ये बेलन से, बेलन का जालक है। ये दूसरी आकृति, इसको ये पिरामिड, इसको इसका जालक से मिला दिया। और ये क्या है घनाभ, इसको घनाभ के जालक से मिला दिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए जालक में जिन जिन पर घन बनता है उन पर राइट एवं अन्य पर गलत का निशान लगाइए। तो ये आकृतियां दी हुई है 6, इनमें से बताना है कि कौन कौन सी आकृतियों से घन बन रहा है। तो इस आकृति से घन बन रहा है, इसमें देखो 6 बॉक्स दिए हुए हैं बराबर साइज के, इससे भी घन बन रहा है, इसमें देखो 5 ही बॉक्स और 5 बॉक्स से घन नहीं बन सकता, इससे भी घन बन रहा है, इसमें 6 बॉक्स है, इसमें भी 6 बॉक्स है, तो इससे भी घन बन रहा है। और ये देखिए ये इससे 3 2 5 5 है और वो भी घनाभाकार के, तो इससे भी घन नहीं बन रहा। इस प्रकार कार्यपत्रक 11 पूरा हुआ।